नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई, जैसा कि बारिश के बाद प्लांट जो है काफ़ी ओवरग्रो हो जाते हैं, तो जो मैंने फ्लावर वैली अपनी बना रखी है वहाँ पे बहुत तरह के फूल लगे हुए हैं, लेकिन बरसात के कारण भाई वो इतने ज़्यादा फैल रहे थे, सारे के सारे फर्श पे आ रहे थे। तो आज सुबह से ही मैं इनकी कटाई छटाई में लगी हुई थी और अभी भी काफ़ी काम पड़ा है। लेकिन अब यहाँ बहुत तेज धूप आ गई है। जब मैं काम पे लगी थी यहाँ पे तो तभी इतनी धूप नहीं थी, लेकिन अब फिलहाल यहाँ काफी धूप आ चुकी है और जो बचा हुआ काम है वो कल होगा। तो ये सारे के सारे जितने पौधे हैं सारे ये आधे तक फर्श पे आए हुए थे। तो ये समझ लो कि मतलब सफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जो इधर फर्श की तरफ आए हुए थे या साइड में थे वो तो मैंने कट कर दिए हैं, लेकिन अभी भी जो बारीकी से काम करना है ना, जो ज्यादा बड़े बड़े हो रहे हैं, जो बरसात के कारण गिर गए थे एक दूसरे के ऊपर, तो वो भी अभी हटाने हैं। तो इतना सारा काम करके भी मैं भी अब थक चुकी हूँ, और जो हल्का फुल्का जो बच गया है ना वो फिर कल मॉर्निंग में करूंगी मैं वॉक पे से आने के बाद। तो ये दोस्तों मैं इसलिए भी आपको बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि प्लांट बहुत ज्यादा ओवरग्रो करते हैं और उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो रेगुलर। तो इसको मैंने भी ऐसे ही छोड़ रखा था। मैं जो बात आपको ही बता रही हूँ कि मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी, खाली इसमें फूल खिलते रहते थे, देखते हुए अच्छे लगते थे, लेकिन अब पीछे जो खूब सारी बरसात हुई ना, वैसे पीछे मैंने इसकी पीछे मतलब काफी टाइम पहले इसकी की थी थोड़ी सफाई, लेकिन अब जब काफी सारी बरसात हुई ना तो ये बहुत ज्यादा फैल गए थे। और फैलने के साथ साथ पहले तो ये सीधे सीधे खड़े थे तो अच्छे भी लगते थे, फिर ये सारे एक दूसरे के ऊपर गिर भी गए थे और इधर उधर सारे मतलब साइड में बिखर से गए थे, देखने में भी नहीं अच्छे लग रहे थे, ओवरग्रो भी हो गए थे। और इसको थोड़ा सा इसका वेट भी कम करना था कैरी का, एक दूसरे के ऊपर गिर के और फैलने में भी इनको दिक्कत आ रही थी और कुछ ज्यादा ओवर वेट भी हो रहे थे। तो ये मैंने सारा आज सुबह सुबह काम किया है। और गार्डनिंग का काम करने से दोस्तों मैं जान के इसलिए बता रही हूँ, बहुत आपकी फिजिकल एक्सरसाइज होती है। बस मैं वीडियो बना ही रही हूँ लेकिन इतनी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं रही थी ये काम करने के बाद। तो अभी भी ये जो बड़े बड़े ब्रांच निकले हुए ना, इनको भी मुझे हल्का हल्का प्रून करना है ताकि एक पर्टिकुलर शेप में सारी क्यारी आ जाए और फिर और अच्छे से फ्लरिश हुई लगे, ऐसे ना लगे एक दूसरे के ऊपर गिरी पड़ी सी। तो ये भैया आप देख लो, और इतनी ज्यादा मेरी एक्सरसाइज होगी आज, बस मुझे तो अब कुछ करने की सारा दिन जरूरत है नहीं। तो गार्डनिंग दोस्तों एक आपका शौक ही नहीं है, आपको पौधों से प्यार ही नहीं है, ऐसे ऐसे काम करते हुए आपकी फिजिकल एक्सरसाइज वैसे ही हो जाती है, वैसे ही मेंटेन रहोगे, हेल्दी हेल्दी रहोगे। और मतलब अगर एक आदमी हेल्दी है और इस तरह की सिंपल सिंपल सी एक्सरसाइज करके नेचर के साथ टाइम भी स्पेंड हो रहा है, दूसरा आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है, तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। और भाई गार्डन का गार्डन साफ हो गया अपना। तो ये था भी मेरा आज का काम, अभी और भी कुछ करना है मुझे, देख रहे हो ना एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हैं ना बीच के, तो इनको भी कल करूंगी। अब मैं बिल्कुल थक चुकी हूँ, मैंने बहुत सारी की सारी क्यारी साइड से जो फैले हुए थे ना सारे साफ कर दिए हैं, बीच में से भी कई निकाल दिए हैं जो ज्यादा ही खराब हो रहे थे, ओवर ग्रो हो रहे थे। अब कल इनको अच्छे से शेप दे दूंगी। अब कल का काम थोड़ा हल्का होगा आज के बजाय, क्योंकि आज का ज्यादा काम था और जैसा कि देख रहे हो ये सारे के सारे इधर आए हुए थे। तो ये काम दोस्तों जरूरी इसलिए भी नहीं है कि आपका अपना गार्डन है और करना है, लेकिन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होता है। ये नहीं है कि मुझे साफ सफाई करनी थी, फर्श पे पौधे आ रहे थे, अब ऐसा ही ये साइड वाले गार्डन में देख लो जो मैंने तैयार कर रखा है किचन के पास, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो बरसात के कारण फैल चुके हैं। अभी तो मैं वो वाला काम निपटा के आई हूँ, उसका भी करूंगी एक दो दिन में इलाज। और बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज हैं जो बहुत ज्यादा आगे तक निकली हुई हैं, वो और पौधों की ग्रोथ को भी रोक रही हैं, उनके ऊपर भी पड़ी हुई हैं। और दूसरा कि उनकी कटाई छटाई होने के बाद ना कुछ वेट भी उनका कम होगा और दूसरा एक शेप सी आ जाएगी। अब जैसे ये येलो बेल्स वाला है ना, ये लगा तो देखो बहुत पीछे हुआ है दीवार की तरफ और ये देखो कहाँ तक निकल के आ रहा है। तो इसको मैंने अभी इसलिए नहीं काटा, ये फूलों के गुच्छे अच्छे लग रहे हैं अभी देखने में, तो ये फ्लावरिंग इसकी थोड़ी सी खत्म हो जाए या ये स्पेंट हो जाए गुच्छा, तब मैं इसकी कटाई छटाई कर दूंगी। तो अभी इस पे बहुत सारे बंच बन रहे हैं ऐसे ऐसे, और सारे के सारे बंच जो है ना बिल्कुल आगे आए हुए हैं, प्लांट तो इसका पीछे लगा हुआ है काफी। तो ये एक बार आके स्पेंट हो जाए फिर मैं इसकी भी कटाई छटाई कर दूंगी। तो इस तरह के ना बहुत सारे पौधे ऐसे हो रहे हैं कि जिनकी की कटाई छटाई अभी करनी बाकी है।
तो ये है मेरा आगे आने वाला काम। और जब दोस्तों आप गार्डनिंग करते हो ना, आगे से आगे आपके दिमाग में काम रहता है। इसका मतलब अगर आप बिजी हो तो आप नेगेटिविटी से वैसे ही दूर रहोगे और आपका टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होगा। आगे से आगे नेक्स्ट डे के लिए आपके पास काम होता है जब आप गार्डनिंग करते हो, कि चलो आज मैंने ये किया, कल मेरा ये वाला काम है, फिर मेरा ये वाला काम है। तो ऐसे ऐसे काम आपका आगे से आगे चलता रहता है, काम का काम होता रहता है। और दूसरा आपका एक बहुत अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड होता है। और जैसे ही फिर आपको टाइम मिलता है, फिर आप अपने गार्डन का काम करते हो जो आपका छूटा हुआ था। तो दोस्तों गार्डनिंग करना अपने आप में बहुत रिफ्रेशिंग है। अब देखो काटना तो मुझे ये कनेर का प्लांट भी है जो कि मैंने कटिंग से उगा रखा है, लेकिन इस पे भाई ये मॉर्निंग ग्लोरी बिल्कुल चढ़ी हुई है। देखो इसको बिल्कुल बांध रखा है इसने। अब बताओ मैं इसको कैसे काटू। कई पौधे तो ऐसे हैं जिनको मैं काट भी नहीं सकती। अभी देखो चारों तरफ से ऐसे लिपटी हुई है इससे, और इसकी मुझे कटाई बहुत जरूरी करनी है। अगर नहीं काटूंगी तो ये फिर फैलेगा भी नहीं। और बेलों का दोस्तों यही होता है, कहीं गलती से पतली पतली इसकी ब्रांच है, गलत सलत कटगी हटेगी तो है नहीं है। देखो कैसे कैसे लपेट रखा है इसने इसकी ब्रांचेस को, तो हटेगी तो है नहीं है। तो देखो इसका भी मैं क्या करती हूँ। और फूल इस पे इतने सुंदर आते हैं भी, वैसे दिल नहीं करता इसको काटने का। तो दोनों तरफ से कई बार गिर जाता है आदमी। इसको काटे ना काटे उसकी कटाई जरूरी है, और गलती से इसकी ब्रांच नहीं कटनी चाहिए, है ना। फंस गए ना दोनों तरफ से। तो ये भी हो रहा है गार्डन में कई जगह, ये इस तरह की जो बेले हैं। तो भाई ये काम चल रहा है गार्डन का। और डेली भाई जब भी मैं गार्डन में आती हूँ ना, ऐसा कभी नहीं होता मेरे पास कोई काम नहीं होता। किसी ना किसी पौधे को देख के, गमले को देख के, किसी पौधे की हालत देख के, कुछ ना कुछ काम दिमाग में होता ही है। चाहे तो मैं वो तभी कर दूं, या फिर जब भी टाइम लगता है मैं कर ही देती हूँ। ऐसा नहीं है एकदम से दिखा और कर दिया, कई बार ऐसा टाइम भी नहीं होता। और टाइम टाइम क्या क्या आपका दिन का ऐसा पहर ही ना हो जब हम कटाई छटाई करें, है ना। ये भी तो सुबह शाम का ही काम होता है करने का। और इनको भी मैंने ठीक ठाक करना है। इनकी भी कई सारी ब्रांचेज इधर उधर लुढ़की हुई थी, वो मैंने ऐसे अभी बीच में फंसा रखी है, तो इनको भी ठीक करना है। और ये सारे देखो कितने ओवर ग्रो हो रहे हैं, सब आगे आगे निकल रहे हैं। और कईयों की तो हाइट गमले से इतनी ज्यादा ऊंची जा रही है, उसको भी मुझे कम करना है। तो ये सारे के सारे काम हो रहे हैं अभी डेली। ये देखो कहाँ तो इसका गमला है, ये देखो कहाँ पे इसका गमला है, और ये कितना ऊपर तक जा रहा है ना। तो एक बार ये फूल की बड़ आके सारी खिल जाए तो फिर इसकी भी मैं कटाई छटाई कर दूंगी। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे। ये तो मैं वैसे ही दिखा रही हूँ वीडियो में। तो डेली का कुछ ना कुछ काम है, लेकिन आज फिर भी कुछ तसल्ली हुई उस फ्लावर वैली को कुछ हल्का करके, क्योंकि कई दिन से मेरे दिमाग में घूम रहा था वो, जब से बरसात बंद हुई थी ना, कि इसको ठीक ठाक करना है। पहले थोड़ा गिल्ली गिल्ली सोयल थी, तो आज वो काम भी हो गया। तो बस थैंक यू वेरी मच।